प्रणाम अध्यापकगणों, देखिए मैं अंकित शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए TGT फिजिक्स की क्लास है जो शाम को डेली 5:40 पर लाइव होती है। किसी कारणवश ये लाइव नहीं हो पा रही है। जैसे मैंने कहा था, हमारा कैमरा आने वाला है और समस्या ये है मैं उसका सेटअप नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो इस वजह से हम आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में, आप बेफिक्र रहिए। जैसा कि आप सब जानते हो हम क्या चल रहे थे, अपना चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चल रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, टेंशन ना लो इंग्लिश वालों, वैद्युत बल रेखाएं इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती हैं ये, मैं आपसे अभी चर्चा करता हूं। देखो ये कुछ नहीं होती, ये एक निष्कोण वक्र होती है, यानी कि एक कर्व होती है जो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करती। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो कहां तक है और किस दिशा में है। यानी कि ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में चली जाती हैं, यानी कि प्लस से बाहर होती है और माइनस में अंदर जाती है। अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन खींचना चाहूँ तो अगर मैं इनकी अलग अलग डायरेक्शन खींचना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्लस से तो बाहर की साइड और माइनस में अंदर की साइड। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये खुला वक्र होती है, यानी कि ओपन कर्व होती है। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है प्यारो, यानी कि प्लस से निकल के माइनस में चली जाती है। ऐसा नहीं होता माइनस से प्लस में आएंगी, माइनस से प्लस में आते ही बंद वक्र हो जाएगा। ये क्या होती है, खुला वक्र होती है, यानी कि ओपन कर्व। पहला पॉइंट लिखो, आपको जो पॉइंट ना पता हो, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनवर्ड इंटू नेगेटिव, यानी कि क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में चली जाती है। सेकेंड पॉइंट ओपन कर्व होती है, ओपन कर्व का मतलब है निष्कोण वक्र, यानी कि क्या होती है, प्लस से माइनस में जाती है तो सही है, लेकिन अगर माइनस से वापस प्लस में आ रही है, अगर माइनस से प्लस में आ रही है तो ये सीन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप जानते हो ये किसी भी चालक से पार नहीं होती, यानी कि चालक के अंदर नहीं होती, ठीक। दे डोंट पास इनसाइड द कंडक्टर, हिंदी में लिख लीजिए, ये चालक के अंदर पास नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, यानी कि चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि जैसे मैंने कहा ये कोई चालक है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती है, केवल बाहर ही रहती है जो प्लस से माइनस की तरफ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, सिंपल सा पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट नहीं है, आपको मज़ा आने वाला, बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ठीक, नॉर्मल या टेंजेंट, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, टेंजेंट यानी कि मैं स्पर्श रेखा कहूँ, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। भाई थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है, उसका रीज़न है बता दूंगा अभी, ठीक। देखो ये क्या होती है, प्लस से बाहर की साइड निकलती है और इनवर्ड नेगेटिव, में अंदर की चलने तरफ जाती है, और ओपन कर्व होती है, यानी कि ओपन कर्व का मतलब प्लस से माइनस में तो जाएंगी लेकिन माइनस से प्लस में नहीं आएंगी। क्लोज्ड कर्व ये होता है, यानी कि प्लस से माइनस में तो गई लेकिन माइनस से प्लस में भी आ जाए। ये ऐसा नहीं है, एक निष्कोण वक्र, हिंदी में बोलते हैं एक निष्कोण वक्र होती
नहीं है ये। नेक्स्ट, दे डोंट पास इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। द इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन, डायरेक्शन लिख लेना साफ से भाई, जो समझ में ना आए वीडियो बाद में देख लेना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब क्या इस चीज़ का, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमारे फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आया। और एक बात बताऊँ अध्यापक गणों, फोर्थ पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सारे सिस्टम की जान जो है वो फोर्थ पॉइंट ही है। तो मैं फोर्थ पॉइंट को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको भी फोर्थ पॉइंट पढ़ने में मज़ा आएगा। देखिए मैं रफ कर देता हूँ, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इन पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। जैसे ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट खींच दिया इस स्पर्श रेखा, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है। अगर इस पॉइंट पर देखूँ इस पॉइंट पर ऐसा है, इस पॉइंट पर देखूँ इस पॉइंट पर ऐसा है, तो टेंजेंट उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं वो वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है और कुछ नहीं देता। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका भाई, दो यो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं करती। मतलब मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही, एक ये जा रही, तो ये गलत है। अब क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है, लेकिन समस्या आती है ऐसा है क्यों। अगर हम रीज़न जान लेंगे तो चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, मैं आपके आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया, यहाँ पर टेंजेंट खींचना भाई, टेंजेंट इसके अकॉर्डिंग खींचोगे तो ये आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग खींचोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। देखो जैसे ये है, ये यहाँ खींचोगे तो एक ही डायरेक्शन, यहाँ खींचोगे यहाँ यहाँ सब जगह एक ही डायरेक्शन, लेकिन अगर इस पॉइंट के अलोंग देखा तो ऐसे भी खींच सकती है और ऐसे भी खींच सकती है, तो दो दो स्पर्श रेखा यानी कि दो दो टेंजेंट आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको यही तो बता रहा था, क्या बता रहा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों, इफ़ दे डू सो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल शोज टू डायरेक्शन, यदि वे ऐसा करती हैं तो जहाँ पर उन्होंने कट किया है वहाँ पर बिंदु क्या दिखाएगा, दो दिशाएं दिखाएगा, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। ये हमने आज की स्टडी की है, अभी चल रहे हैं आगे। दूसरी चीज़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी हाई है, क्या है, डेंसिटी हाई है, डेंसिटी मतलब घनत्व क्या है, हाई है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार, यानी कि मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये रही, आपको समझाता हूँ एक सिंपल वे से, घबराओ मत, सब चीज का इलाज है। ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, हो गया। अब मैं आपसे पूछूं वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, एफ बराबर ई क्यू होता है, तो एक दूसरे के दोनों समानुपाती हैं। कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है। आपको पता तो है डेंसिटी क्या होता है, अरे गाढ़ापन, सिंपल भाषा में बताऊँ, जिसमें पार्टिकल पास पास होते हैं उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, बिल्कुल
सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स पता है, चले इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप प्रैक्टिस पेपर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत क्वेश्चन होंगे, आपको भी करने में मजा आएगा, आप देखना ठीक। आप इस बात को लिख लीजिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट। देखो अध्यापक गणों, हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती है। मैंने कहा मेरे पास एकल धनावेश है, यानी कि सिंगल पॉजिटिव एकल धनावेश, तो इससे निकलने वाली विद्युत धाराएं कहाँ था, सॉरी वैद्युत धाराएं नहीं, वैद्युत बल रेखाएं। आई हैव ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहाँ तक जाएंगी। क्यों, हमने कहा प्लस से निकलते और माइनस पे जाती हैं, प्लस से निकलते और माइनस पे जाती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़, हमने कहा एकल धनावेश है, तो एकल का मतलब सिंगल ही है, माइनस कोई है ही नहीं, तो भाई प्लस से निकल के कहाँ तक जाएंगी। तो इसका आंसर है एकल धनावेश है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। और मैं कहूँ मेरे पास एकल धनावेश है, एकल धनावेश है, लिख लिया करो इन चीज़ों को, धनावेश नहीं सॉरी ऋणावेश, इन चीज़ों को लिख लिया करो, मेरे पास एकल ऋणावेश है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, सिंगल नेगेटिव चार्ज हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वे आती हैं, इस पे कहाँ से आती हैं भाई, पॉजिटिव से आती हैं, लेकिन मैंने कहा पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगी भाई, इनफाइनाइट से, अनंत से आएंगी। बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना इस बात को, लिख लो कि एकल धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अनंत तक जाती हैं, और एकल धनावेश ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती है। ऑन सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोज अप टू द इन्फिनेटिव, एंड ऑन ए सिंगल निगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम द इन्फाइनाइट। लिख सकते हो इस चीज़ को ठीक। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्या है सीन भाई, हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र, घबराओ मत, इंग्लिश में भी हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक। वैद्युत क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो आपको पता है कोई आवेश है यानी कि चार्ज है, यो क्या करता है अपने चारों तरफ राजा है, एक फील्ड बना लेता है और कहता है यहाँ कोई आएगा भी मेरी मर्जी से और जाएगा भी मेरी मर्जी से। मतलब जो क्या करता है, एक कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं भाई, टेस्ट चार्ज क्या है, इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये होता है जिसका कोई भी वजूद नहीं होता, बहुत छोटा होता है, और दूसरी क्वांटिटी पर यह नेग्लिजिबल अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाता है। तो ठीक, हम इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम ठीक, जैसे यहाँ आएगा ये इस पर रिपल्सन दिखाएगा या अट्रैक्शन दिखाएगा। तो किसी भी आवेश का चारों ओर का वो रीज़न जहाँ पर वो दूसरे चार्ज को आने पर या तो अट्रैक्शन दिखाए या रिपल्शन दिखाए, किसी भी दूसरे चार्ज को आने पर या तो अट्रैक्शन दिखाए या रिपल्शन दिखाए, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड, वेयर अनोदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर दूसरा चार्ज या तो आकर्षण बल अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। कोई खतरनाक नहीं है, एक बेसिक सा पॉइंट है। अब मान लो मैंने क्या किया भाई, इसका वैद्युत क्षेत्र था क्यों ये रहा, और मैंने यहाँ दूसरा कोई टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज क्या है भाई, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा, यानी कि या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो भाई किसी बल से खींचेगा, तो उस बल का जो उस चार्ज के साथ जो रेशो होता है उसे ही हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक। इसे रफ कर देता हूँ, ये जो ई है आपका, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ डिस्कशन कराऊं, तो क्या कहते हैं इसे, डिफाइन कैसे करोगे कि किसी भी फील्ड के अंदर वो पॉइंट, किसी भी फील्ड के अंदर वो पॉइंट जहां कहीं पर यूनिट पॉजिटिव स्ट्रेस चार्ज अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का फील करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसे आपको मैं फॉर्मूले के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखो, ये जो आपका है, ये आपका कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है। और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो इनके बीच, आर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इनके बीच क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, कितना होगा, एफ इक्वस टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r² लग गया इनके बीच, ये रहा आकर्षण बल का अनुभव। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F/Q0, ये होगी। अब F की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1/4π ε₀ Q0 / r² / Q0। Q0 ने Q0 को मार दिया तो कितना आ गया, 1/4π ε₀ Q/r². ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बताओ इसमें कुछ समस्या हो तो, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या करते हैं भाई, हम पहली चीज़ तो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। भाई मैं आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, फोर्स का चार्ज के साथ रेशो। और वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहाँ पर दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है। अब सिंपल सी एक चीज़ समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया, ये कैसी राशि है भाई, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सदिश राशि है, रफ कर दिया, सदिश का मतलब इसमें दिशा होती है, अगर मैं दिशा पूछूँ, डायरेक्शन पूछूँ, तो भाई प्लस से माइनस की ओर। इसे मैं जनरल वे में बताऊँ, आपका E बराबर क्या होता है भाई, F/Q0, कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, इट्स SI यूनिट इज, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन ना लो, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी SI यूनिट होती है, ठीक। अब हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे की तरफ हमारा एक नया टॉपिक आता है। देखो भाई, पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक, जो हमारा क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे दो ही क्वांटिटी डिफाइन करती हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे दो ही क्वांटिटी डिफाइन करती है, दो राशियों से ही इसे हम बता सकते हैं। लो साफ सा लिख दूँ यार, नहीं तो आप कहोगे भैया की तो राइटिंग बहुत गंदी है, भाई गंदी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जल्दी के चक्कर में ऐसे घसीट लिख देता हूँ, ठीक। वैद्युत क्षेत्र है तो इसे दो ही राशि डिफाइन करती है, एक तो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, किसकी तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है यानी कि तीव्रता के बारे में पढ़ना है, तो हम तीव्रता के बारे में ढंग से डिस्कशन कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रफ कर दिया, लो देखो भाई, बहुत काम की चीज़ें हैं सारी। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई, इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्वि ध्रुव। भाई इस पे एक क्वेश्चन में बहुत गलत करके आया था अध्यापक गणों, बड़े आसानी से गलत हुआ था, अब मैं देखता हूँ आप गलत करते हो या सही, आपसे भी अभी कराता हूँ, थोड़ी देर रुको। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, जब हम टू इक्वल
बट अपोजिट चार्ज, यानी कि दो बराबर परंतु अपोजिट, यानी कि एक प्लस 10 कूलाम तो दूसरा माइनस 10 कूलाम, तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड, वे रख दिए, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, एट सम डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, देन तब यह सिस्टम, देन दिस सिस्टम, हम देखो भाई इनके लॉज का प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रूफ का कोई यहाँ लॉजिक नहीं बैठता, अगर आप कहोगे आप कमेंट में बताओगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा, अदरवाइज मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट देन दिस सिस्टम इज नोन एज, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, मतलब हिंदी में सुन लो, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाते हैं तो जो सिस्टम हमें मिलता है इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव, अरे दो ध्रुव हो जिसमें डाइपोल दो पोल हो, हमने एक लिया प्लस क्यू और एक लिया माइनस क्यू, तो क्या करते हैं भाई एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हम बीच में ओरिजिन मान लेते हैं, तो हमने मान लिया ए इधर है और ए इधर है रख दिए, और बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी 2a होगी, तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम इस पूरे को a क्यों नहीं मान लेते, a मान लो दूरी है यार, हमने तो इस वजह से मानी है, जब आगे हम डेरिवेशन करते हैं तो अगर हम इसे a by 2 माननी पड़ेगी a by 2, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है, आगे आप जानते होंगे आप तो पढ़ चुके हो, तो इस वजह से हम इसे 2a मानते हैं, ठीक। फिर आपके बाद आता है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ये काम की चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, डाइपोल मूवमेंट इसे हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण इसे हिंदी में बोला जाता है डाइपोल मूवमेंट। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण से भी आप परिचित हो, ये क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज में से कोई से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते हो, हमें सिंबल यानी कि निशान नहीं लेना, हमें प्लस या माइनस नहीं लेना, हमें केवल आवेश लेना है, यानी कि क्यों और उनके बीच की डिस्टेंस 2a, ठीक। अब देखो मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, वैक्टर लगाया हुआ है, पहले तो इसकी यूनिट सुनो, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी कूलाम, ये डिस्टेंस है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। पहला क्वेश्चन तो इसमें अध्यापक गणों यहाँ से ही बनता है कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन दिशा क्या होगी। देखो अगर आपकी लाइव क्लास नहीं है तो आप ये मत सोचो लाइव का मज़ा नहीं ले सकते, वीडियो पॉज करो और कमेंट मारो और बाद में आंसर मैच करना और कमेंट डिलीट मत करना, यानी कि चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और आप उधर बैठे हो, तो यहाँ केवल हमारे बीच एक बॉन्डिंग है, एक सच्चाई का ही रिश्ता हो सकता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आप पढ़िए, कोशिश करिए, ठीक। मैंने बताया था आज क्या होगा, हमारा कैमरा आ जाएगा, कैमरा आ चुका है, पर यार वो लेट आया तो मैं उसका कनेक्शन नहीं कर सका हूँ, ठीक। यहाँ वायर भी इलझे पड़े हैं, अब उन्हें भी सुलझा रहा हूँ मैं, तो अब इस वजह से आपकी क्लास रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपका लॉस ना हो। हालांकि रिकॉर्डेड क्लास में क्वालिटी अच्छी आती है, लाइव में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, और आप पिक्सल भी बढ़ा सकते हो, इसकी खास बात यह है, ठीक। इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन किधर होती है भाई, डायरेक्टेड फ्रॉम, रुको थोड़ी सी नहीं पूरी गंदी राइटिंग हो गई है, देखो ये मार्कर थोड़े अलग हैं यार, इनसे लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, ये यूट्यूब वाले मार्कर मंगाए हैं हमने, डायरेक्टेड फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन होती है किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सारी क्वांटिटी मोस्टली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यो बेचारी अकेली आ गई है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। मैं हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो मैं बता रहा था जो क्वेश्चन मैं इसमें गलत करके आया था, अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, आप लिखिए,
ठीक है, आप लिखिए ए डाइपोल लिख लीजिए, मेड बाय चार्जेस, यानी कि एक द्विध्रुव है जो आवेश प्लस माइनस 10 कूलाम से बना है। ए डाइपोल मेड बाय चार्जेस प्लस माइनस 10 कूलाम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, बस भाई जनरल वैसे लिख रहा हूँ, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 मीटर वैसे मान लिया मैंने, ठीक। देन जिससे आप समझ सको, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट जो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, जब आपको क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, हमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखो भाई मैंने जो गलती की थी बता दे रहा हूँ, मुझे पता है आप में से भी ज़्यादातर विद्यार्थीगण वो गलती कर सकते हैं, ठीक। क्या मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, पी बराबर क्यू इंटू टू ए, क्योंकि जगह मैंने क्या रखा 10 कूलाम इंटू टू इंटू ए की जगह क्या रखा मैंने 2, तो क्या 10 इंटू 4 इक्वस टू 40 कूलाम इंटू मीटर, जो कि एक गलत आंसर है, ठीक है। देखो ये जो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो भाई ये 2a की ही डिस्टेंस दी हुई है, तो प्लस यहाँ तो 10 आ गया, और ये 2a की एक दूसरे से जो डिस्टेंस थी वो टोटल हमने 2a ही तो मानी थी, तो ये जो वैल्यू दी गई है ये 2a की ही वैल्यू दी गई है, तो 10 इंटू 2 कितना आ गया 20 कूलाम इंटू मीटर, मैं 40 या जो भी वैल्यू थी, डिजिट एग्जैक्ट याद नहीं, पर मैं एक ही जगह पर वैल्यू रख के आया था, तो जिस वजह से मेरा आंसर क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, ठीक। चलो आगे की तरफ कल अग्रसर होंगे, ठीक। कल क्या, मैं आज बैक टू बैक 2-3 वीडियो डालूंगा, एक और वीडियो आएगी आपकी, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण से ही संबंधित, ठीक। गुड लक, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।